स्वागत है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में। इसे भी बनाया है UPEIDA ने और इसकी कुल लागत 14,700 करोड़ रुपए है, जिसमें से 7,700 करोड़ रुपए को इसकी कंस्ट्रक्शन में खर्च हुए हैं और 7,000 करोड़ रुपए इसकी लैंड एक्विजिशन में खर्च हुए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर का एक 4-लेन एक्सप्रेसवे है, जिसको 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है और ये 7 जिलों को जोड़ता है यूपी के। इसमें इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा और बांदा हैं। ये है खूबसूरती बुंदेलखंड एक्सप्रेस की। बिल्कुल चले जाओ चले जाओ चले जाओ बस। पिछली बार जब यहाँ आए थे तो इतना परेशान हुए थे कि आपको बता नहीं सकते, इसीलिए शायद खुशी ज़्यादा है। गायों की इतनी बड़ी फैमिली आपने आज तक नहीं देखी होगी। दिखाता हूँ, बहुत बड़ी फैमिली है नीलगाय में और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास में। ये तो शुक्र है कि ये फेंसिंग की हुई है। दूसरे कैमरे से आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो जूम हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ये देखिए फेंसिंग है, वरना यमुना एक्सप्रेसवे में ये फेंसिंग नहीं थी, तभी नीलगाय से इतने एक्सीडेंट होते थे। वो देखिए, एक तो देख ही रही है मेरी तरफ, ये देखिए, ये देखिए, ये दो नीलगाय है, एक वो आपको दिख रही होगी पीछे से आती हुई, वो देखिए वो दिख रही है, ये काली वाली चली और वो पीछे पेड़ में 8-10 और बैठी हुई है। ये काली जो डार्क ब्लैक है वो शायद मेल है, ये आ गया बिल्कुल छाव में, और ये थोड़ी लाइट ब्राउन में है वो फीमेल है। ये आगे निकल आई, ये रोड के किनारे की फेंसिंग के आसपास ही घूम रहे हैं और ये देखना होगा कि ये कहीं इनको फेंसिंग से कोई जगह ना मिल जाए रोड में आने की, क्योंकि इनके रोड पे आने के बाद जो एक्सीडेंट होता है वो बहुत ही भयानक होता है, बहुत जान माल का नुकसान होता है। तो मैं थोड़ा रुक करके देख लेता हूँ कि ये कहीं गलती से फेंसिंग से निकल करके रोड की तरफ ना आए। ऊंचा बिल्कुल वयस्क नर नीलगाय है ये, इनका वजन लगभग 400-500 किलो तक का भी हो जाता है कई बार, तो ये सड़क पे आने पे बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। अभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, इसलिए शायद ये रेस्ट एरिया अभी बने नहीं है, लेकिन बड़ा शानदार बेहतरीन बुंदेलखंड एक्सप्रेस है। मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला ध्यान योगी आदित्यनाथ जी का इस बुंदेलखंड की तरफ गया, जो कि काफ़ी पिछड़ा हुआ था। तो इसका प्लान जो बना था वो योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 में बनाया था और इसकी नींव आधारशिला रखी थी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने फरवरी 2020 में, और जुलाई 2022 पिछले साल ही इसका उद्घाटन कर दिया गया था आम जनता के चलने के लिए, 2 साल में पूरा काम करके। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में इटावा से 35 किलोमीटर पहले कुदेल गांव से इसकी शुरुआत होती है और चित्रकूट के गोंडा गांव में ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ख़त्म होता है। इसमें 1 जनवरी 2023 से टोल चालू कर दिया गया है और इसके पूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के इटावा से चित्रकूट के बीच का टोल 610 रुपये है। सभी सामान्य एक्सप्रेसवे की तरह इसमें भी आप जहाँ से एंट्री करेंगे वहाँ पर आपके टोल की रीडिंग हो जाएगी और जिस भी एग्जिट से आप निकलेंगे वहाँ पे जो टोल की रीडिंग होगी उसको कैलकुलेट करके आपसे टोल वसूल लिया जाएगा। चित्रकूट से जब इस एक्सप्रेसवे में आप चढ़ते हैं तो बड़ी सुंदर सुंदर पहाड़ियों के नज़ारे दिखाई देते हैं, तो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। जब इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था 16 जुलाई 2022 को, उसके 5 दिन बाद ही बहुत तेज़ बारिश हुई थी इस इलाके में और ये एक्सप्रेसवे कहीं कहीं धंस गया था, कई बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए थे, जिससे बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। पेट्रोल पंप तो बनते हुए दिख रहे हैं लेकिन खाने पीने का कोई इंतजाम अभी भी नहीं दिख रहा। खाने पीने का इंतजाम नहीं है भैया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में, अपने साथ खाने पीने का सामान जरूर रखें। सड़क तो बहुत बेहतरीन है, पेट्रोल पंप भी अभी बन रहे हैं, अभी ऑपरेटिंग पेट्रोल पंप भी नहीं बना कोई, तो गाड़ी फुल करा के, गाड़ी का पेट फुल करके अपना पेट भी फुल करके निकले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। पूरी सुबह हो गई है, सूरज चमकने लग गया है और मैं रुक के आपको कुछ बताना चाहता हूँ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में। आज एक और बहुत ही शानदार एक्सप्रेसवे
तरफ खेत है और बीच में सुंदर सा रोड बनाया गया है। और आपको दिखाता हूँ, जैसे अभी मैं जहाँ रुका हुआ हूँ उसमें लिखा हुआ है ये 6.8, मतलब मैं इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में 6 किलोमीटर और 800 मीटर आ चुका हूँ। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ की है गवर्नमेंट ने आजकल के सभी एक्सप्रेसवे में, ताकि आपको अपनी लोकेशन बताने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में भी सारी जानकारियाँ ट्रैफिक से रिलेटेड, डाइवर्जन से रिलेटेड, गांव से कनेक्टिंग रोड्स के साथ साथ, इसमें एक और बहुत ही खूबी है, इसमें साइड वाइज रंबल स्ट्रिप्स बनी हुई हैं। तो अगर आपकी गाड़ी जैसे ही इस लाइन से बाहर जाती है तो आपको तुरंत पता लग जाएगा और गाड़ी में ज़ोर से वाइब्रेशन होगा, जिससे अगर आपको हल्की फुल्की नींद आ रही हो या आप कहीं और ध्यान हो तो आप तुरंत वापस अपने ट्रैक पर आ सकते हैं। आगे वीडियो में दिखाता हूँ कि कैसे गाड़ी चलते वक्त अगर गाड़ी इस रंबल स्ट्रिक में आती है तो वाइब्रेशन कैसे होते हैं, उसको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ और आप इसकी आवाज़ सुनकर समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो लेफ्ट साइड में पट्टी है इसमें आप चढ़ेंगे तो एक तेजी से आवाज आएगी गाड़ी में, आपको दिखाता हूँ करके देखिएगा। तो जैसे आप इसमें चढ़ेंगे आवाज आएगी। ये इसी एक्सप्रेस वे में अभी देखी मैंने, जितने भी एक्सप्रेस वे हाल फिलहाल एक दो साल में बने हैं, तो ये बड़ी बढ़िया चीज है। ये रोड बहुत स्मूथ नहीं है, ये जो ऊपर नीचे थोड़ा सा हो रहा है ये थोड़ी सी कमी है कि आप 100 के ऊपर ले जाएंगे तो ये बाउंस बहुत बढ़ जाएगी। ये थोड़ा सा पैच वर्क काफी हुआ हुआ है। देश के अन्य हिस्सों से चित्रकूट जाने के लिए वाकई में ये एक्सप्रेसवे एक वरदान की तरह है। और हमने ये एक्सप्रेसवे चित्रकूट से ग्वालियर जाने के लिए लिया था, तो हमको 184 किलोमीटर के बाद उरई वाले एक्सिट से उतर जाना है और झांसी होते हुए हमको ग्वालियर जाना है। निश्चित ही ये एक्सप्रेसवे किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। टूरिज़्म बढ़ता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होता है, बिजनेस बढ़ता है और निस्संदेह इससे आसपास जुड़े हुए लोगों का बहुत फ़ायदा होता है। मुश्किल से 7 से 8 घंटे तय करके अब कोई भी दिल्ली से चित्रकूट धाम आ सकता है, जो कि पहले बिल्कुल असंभव और नामुमकिन सा प्रतीत होता था। रोड के डिवाइडर पे फूलों के पौधे लगे हुए हैं, जिनसे खूबसूरती तो बढ़ेगी और थोड़े बड़े होने के बाद जो दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी की लाइट जो आंखों में पड़ती है दूसरी लाइन में, उससे भी बचाव हो पाएगा। ये छोटे छोटे फूल आ रहे हैं, छोटे कैमरे में दिख रहे हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन हैं छोटे छोटे फूल। अभी बाहर बहुत गर्मी है इसलिए रुक के नहीं दिखा पा रहा हूँ, अगली बार आऊँगा तो फूल बड़े हो जाएंगे, फिर आपको अपने आप दिख जाएंगे। ट्रैफिक कम हो रोड में और रोड बहुत अच्छी हो तो चलाने का मज़ा 4 गुना बढ़ जाता है। ये हमको पिछले 2 घंटे में ये पहली कार दिखी है, और जब हम आ रहे थे ग्वालियर से चित्रकूट तब भी हमको पूरे इस एक्सप्रेसवे में सिर्फ 5 कारें और 2 ट्रक दिखे थे। हम पहुंच गए हैं अपने झांसी और ग्वालियर वाले एग्जिट पे, तो अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई जगह किसी नए एक्सप्रेसवे में।